जीरो टू सिक्स मंथ के बेबीज़ की रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स बेबीज़, क्योंकि आफ्टर सिक्स मंथ आप सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं एंड इट इज़ रियली अ बिग ट्रांजिशन फॉर यू एंड योर चाइल्ड। Hi everyone, welcome back to the channel The Mommy Share. So friends, in this video I am going to share that what your baby needs from 6 months. Friends, 6 months तक की जो baby की requirement होती है वो completely different होती है and after 6 months बच्चों को कुछ essential items की ज़रूरत होती है, तो इस video में मैं उन्हीं essential items के बारे में ही बात करूँगी। तो आइए video start करते हैं। I hope आप लोग के लिए video useful होगी। अगर आपको ये video पसंद आए तो like कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करिए and press the bell icon, आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन एसेंशियल आइटम्स के बिना आपका काम नहीं चल सकता, बट ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आपकी लाइफ थोड़ा सा इजी कर देती है। फर्स्ट थिंग इज हाई चेयर। अब जैसे ही बेबी 6 मंथ का कंप्लीट होता है तो फर्स्ट कंसर्न जो सभी पेरेंट का होता है कि बेबी सॉलिड में इंटरेस्ट दिखाए, एंड एट दैट टाइम हाई चेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज इट एनकरेजेस इंडिपेंडेंट ईटिंग। बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट ईटिंग कर सकता है अगर बच्चा हाई चेयर में प्रॉपर तरीके से बैठा है। फीडिंग जो है वो आपके लिए भी ईजी हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि आप पहले बेबी को फीड करा रहे हैं और उसके बाद आप खुद खाना खा रहे हैं। इस टाइम को आप एक फैमिली टाइम की तरह एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइम पर आप और बेबी दोनों खाना खा सकते हैं। सो एक बोलते हैं ना, मील टाइम आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम पर बेबी को थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत लगती है क्योंकि 6 मंथ के जो बेबी हैं वो खुद से प्रॉपर नहीं बैठ सकते, उनको हल्का सा सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप इसको चेयर में बिठा कर उसमें बेल्ट लगा कर बच्चा जो है वो प्रॉपर सेफ भी रहता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सही रहता है ये भी। मैक्सिमम जो हाई चेयर्स आती है ना वो काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो फीडिंग के लिए ही काम आएगी, आगे चलकर आप उसमें बच्चों को स्टडी भी करवा सकते हैं। तो 3-in-1, 2-in-1 काफ़ी सारी जो चेयर्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करें एंड आई थिंक इट इज़ रियली वर्थ फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सेकेंड थिंग इज यूटेंसिल्स। अब छोटे बच्चों की ना आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती ही है, और जब 6 मंथ के बाद आप बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यूटेंसिल्स से। तो कोशिश करें कि बच्चों के जो यूटेंसिल्स हैं ना वो बिल्कुल अलग कर दें, उनको अलग से वॉश करें, अलग से स्टरलाइज करें, और प्रेफर तो ये करें कि जिस भी बर्तन में आप बच्चों का खाना बना रहे हैं वो यूटेंसिल्स भी आप अलग कर दें। जैसे कि आप छोटे फ्राइंग पैन या छोटे कुकर आप बच्चों के ले सकते हैं, उसी में ही बच्चों को खाना बनाएं और अलग जो प्लेट है, अलग बोल है, उनको उसमें खाना दें। उनको घर के जो और बर्तन है ना उनके साथ आप मिक्स नहीं करें क्योंकि इससे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में सक्शन प्लेट्स आती हैं, आप वो ले सकते हैं। सक्शन प्लेट्स क्या है ना कि आप हाई चेयर का जो आगे का जो टेबल रहता है ना उसमें आप रख सकते हैं, तो वो मूव नहीं करती, तो वो इंडिपेंडेंट ईटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। बच्चों के स्पून्स आते हैं, फोक आते हैं, आप वही यूज़ करें। घर में जो आप डेली जो आप फोक और स्पून यूज़ करते हैं ना वो बच्चों को नहीं दें क्योंकि वो बच्चों के लिए ना हार्मफुल भी हो सकते हैं और थोड़े से ना वो साइज़ में भी बड़े रहते हैं, तो वो बच्चे इतने प्रॉपर तरीके से उनको होल्ड नहीं कर सकते। तो छोटे स्पून, छोटे फोक आप बच्चों के लिए लीजिए, इससे बच्चों के ईटिंग में मतलब काफ़ी ज़्यादा आप डिफरेंस देखेंगे। और सिपर्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं, उससे बच्चा इंडिपेंडेंटली वाटर पी सकता है। वैसे तो आप घर में जो ग्लास रहते हैं या फिर कप रहते हैं वो भी बच्चों को दे सकते हैं, बट अगर आप अपने मील टाइम को ज़्यादा मेसी नहीं करना चाहते तो आप ये सिपर्स भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चा 6 मंथ का होता है तो आप उस टाइम पर बच्चों को प्यूरेज ही देना प्रेफर करते हैं, तो अलग से एक छोटा सा ब्लेंडर बच्चों के लिए ले लें और उस ब्लेंडर में ही बच्चों के जो प्यूरेज हैं वो बनाएं। अपना जो डेली जो आप मिक्सर ग्राइंडर जो आप करते हैं ना उसमें बच्चों के प्यूरीज नहीं बनाएं क्योंकि ना उसमें आप अपने घर के मसाले भी ग्राइंड करते हैं और उसके बाद आप बच्चों के प्यूरीज भी उसी में बनाएंगे ना, तो कभी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी आप ट्राई करें। थर्ड थिंग इज बिप्स। अब बिप्स भी ना मार्केट में बहुत सारी वैराइटीज के अवेलेबल हैं, क्लॉथ बिप है, सिलिकॉन बिप है। सिलिकॉन बिप जो होता है वो लार्ज होता है साइज में एज कम्पेयर टू क्लॉथ बिप, इनको क्लीन करना ईजी होता है, ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू क्लॉथ बिप, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक और जो बिप्स आते हैं मार्केट में वो स्लीव्स के साथ आते हैं, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना आप वो बिप्स ले सकते हैं। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो स्लीव्स वाले बिप्स आते हैं उस टाइम पे तो आप कैरी नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आप सिलिकॉन बिप्स कैरी कर सकते हैं कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी खराब होने के चांसेस नहीं होते और जो भी ग्रैनुअल्स होते हैं ना उसमें वो आगे एक पॉकेट बनी होती है उसमें वो गिर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। तो ट्रैवलिंग में आप ये सिलिकॉन बिप्स यूज़ कर सकते हैं। डेली में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लॉथ बिप भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बिप्स परचेज करें। फोर्थ थिंग इज बेबी फूड। अब
जनरली क्या होता है कि हम बेबी फूड घर पे ही प्रिपेयर करते हैं जो कि 100% न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है। बट कई बार क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप वर्किंग हैं, आप हर टाइम बेबी फूड घर पे तैयार नहीं कर सकते, तो उस टाइम के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से कुछ बेबी फूड लिखवा सकते हैं जो कि प्री मेड होते हैं, आप वो घर पर ज़रूर रखें। इनफैक्ट वाइल्ड ट्रैवलिंग भी आपको ये बेबी फूड काम आ सकते हैं, तो ये भी आप अपने पास ज़रूर रखें। और दिन में आप एक बार या दो बार जो प्री मेड बेबी फूड्स आते हैं ना वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टीथर्स। अराउंड 6 मंथ बच्चों में टीथिंग के सिम्टम्स भी काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। बच्चे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी होने लग जाते हैं, जो भी चीज़ बच्चों के हाथ में आती है ना बच्चा उसे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, अपनी क्लीन फिंगर से बच्चों के गम्स में मसाज करते हैं। इस टाइम पर ना आपको ड्रूलिंग भी बहुत ज़्यादा देखेंगे बच्चों में। बट हर टाइम क्या होता है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने क्लीन फिंगर से बच्चों के गम्स में मसाज करें। सो इट्स बेटर कि आप बच्चों के लिए टीथर्स परचेज कर लें। अब टीथर्स भी मार्केट में बहुत सारे वराइटीज़ के अवेलेबल हैं, प्लास्टिक टीथर हैं एंड सिलिकॉन टीथर हैं, वुडन टीथर हैं। जनरली लोग क्या करते हैं ना कि प्लास्टिक टीथर प्रेफर करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं, आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं। बट प्लास्टिक टीथर जो होते हैं ना वो रिसाइकल प्लास्टिक से बने होते हैं और बच्चा क्योंकि उसको मुँह में लेगा तो बच्चों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो प्लास्टिक टीथर आप नहीं लें। सिलिकॉन टीथर आते हैं, सिलिकॉन टीथर में जनरली जेल या वाटर होता है, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। प्रॉपर उसको स्टरलाइज करें, उसको आप फ्रिज में रखें, उसके बाद आप बच्चों को दें। एक और ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है टीथर्स का वो है वुडन टीथर। वुडन टीथर काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं बच्चों के लिए, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अ टॉयज़। अराउंड 6 मंथ बच्चे टॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो हर चीज़ को होल्ड करना उस टाइम पे सीख रहे होते हैं। कुछ भी चीज़ बच्चे देखते हैं तो उसे उठा के सीधा मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं, इससे बच्चों की फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आप स्टैकिंग बच्चों के ला सकते हैं, पॉपअप टॉयज़ आते हैं वो ला सकते हैं, बोर्ड बुक्स आती हैं जो बच्चों की लैंग्वेज माइलस्टोन के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मार्केट में 6 मंथ ओल्ड बेबीज़ के लिए जो आप ले सकते हैं, इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कुछ ऐसे मिनिमम एसेंशियल आइटम्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा स्ट्रोलर्स हैं, कैरियर्स हैं, कार सीट है, या फिर अगर आप बच्चों को टॉप फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉटल्स हैं, निबलर्स हैं, बहुत कुछ है छोटे बच्चों के लिए भी। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें परचेज करें। बट सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए and do share with your friends. Bye-bye and take care.